चलो दोस्तों, चलिए मध्य प्रदेश में ऊर्जा एनर्जी इन इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में पहले राज्य विद्युत मंडल की स्थापना मध्य प्रदेश में 1950 में हुई थी। फिर राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र नेपा नगर का चांदनी है, जो कि 1953 में स्थापित हुआ। फिर पहला जल विद्युत केंद्र चंबल पर अवस्थित गांधी सागर विद्युत केंद्र था 1960-61 में। फिर नगरों के राज्य के नगरों का 60% विद्युतीकरण हो चुका है। राज्य में 98% ग्रामीण विद्युतीकरण हो चुका है। अब विद्युतीकृत गांव की परिभाषा एवं धारणा में परिवर्तन किया गया है। इस अनुसार राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का औसत 64%। तो भारत और मध्य प्रदेश में विद्युत की शुरुआत तो ताप या भाप विद्युत तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में 1897 में शुरुआत होती है। ग्वालियर में 1905 में, जल विद्युत शिव समुद्रम में कर्नाटक में 1902 में, गांधी सागर में मंदसौर में गांधी सागर के माध्यम से ये 1961 में 1961 में शुरू होती है। परमाणु ऊर्जा तारापुर 1969 में मध्य प्रदेश के मंडला के चुटका में। फिर प्रमुख विद्युत आंकड़े 2021, मध्य प्रदेश की स्वयं उपलब्ध विद्युत क्षमता 6321 मेगावाट है। ताप एवं जल दोनों को मिला के मध्य प्रदेश का स्वयं उत्पादन 21,917 मिलियन यूनिट, विद्युत खपत 58,828 मिलियन किलोवाट घंटे है। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 998 किलोमीटर घंटा है, किलोवाट घंटा है। कुल उपभोक्ता 1,53,00,000। विद्युतीकृत ग्राम कितने हैं? 51,617, 97% से अधिक। विद्युतीकृत आदिवासी ग्रामों की संख्या 16,2,000, यानी 91,42%। एक बत्ती कनेक्शन कनेक्शन की संख्या लगभग 28,73,00,000 है। 26,50,00,000 ग्रामीण, 2,23,00,000 शहरी। विद्युत आपूर्ति 76,426 मिलियन यूनिट, अधिकतम मांग आपूर्ति 15,424 मेगावाट 31 दिसंबर 2020 तक। फिर विद्युत क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता तो गत वर्षों की तुलना में 3% विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। यह बढ़कर 21,401 मेगावाट हो गई है। राज्य में उपलब्ध पावर 8,500 मेगावाट के लगभग रहता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत अंश प्रदेश को उपलब्ध है। 2015-16 से राज्य में पहली बार 10,000 मेगावाट से अधिक विद्युत आपूर्ति हो रही है। विद्युत का उपयोग 2021 में सर्वाधिक विद्युत उपभोग कृषि हेतु 43.2%, लगभग औद्योगिक क्षेत्र में 18% रहा। मध्य प्रदेश की उपलब्ध विद्युत क्षमता 2021, ये जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है 2021-22 में, उसके आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ताप विद्युत गृह 5,400 मेगावाट, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जल विद्युत गृह 921 मेगावाट, संयुक्त उपक्रम जल परियोजना नर्मदा प्रोजेक्ट सहित 2,460 मेगावाट। फिर केंद्रीय विद्युत क्षेत्र डीबीडी से प्राप्तांश 5,252 मेगावाट। फिर निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृह से प्राप्त अंश 3,402 मेगावाट। और ये जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत एवं अन्य 3,964 मेगावाट। कुल विद्युत क्षमता 21,401 मेगावाट है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल तो उत्पादन पारेषण एवं वितरण हेतु कंपनी एक्ट 1956 के तहत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर 5 कंपनियों का गठन जुलाई 2002 में हुआ। फिर मध्य प्रदेश में विद्युत में प्रथम तो राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में सन 1905 में 240 केवी की स्टीम टरबाइन से किया गया। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना 1945 में होती है। 10 दिसंबर
1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में लागू किया गया। 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया। प्रदेश की प्रथम अक्षय ऊर्जा नीति 2006 में बनी, 2006 में। फिर ऊर्जा में भारत और मध्य प्रदेश की तुलना 2018 के आंकड़ों के अनुसार, तो कुल तापीय जल एवं अन्य मध्य प्रदेश में भारत में कितनी है? 3,47,219 मेगावाट। विश्व में थर्ड है भारत का स्थान। मध्य प्रदेश में 24,726 मेगावाट, भारत में 7वां स्थान है। तापीय ऊर्जा भारत में 2,23,027 मेगावाट है, भारत में 18,325 मेगावाट है। जल विद्युत ऊर्जा तो ये 4 लाख, ये दोस्तों 45,399 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में 2,225 मेगावाट, 2,235 मेगावाट। अक्षय ऊर्जा तो ये 72,012 मेगावाट पूरे इंडिया में है। मध्य प्रदेश में 4,166 मेगावाट, भारत में इसका स्थान 7वां है। तो विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि योजना 2014 से 17 के बीच में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की परियोजनाएं 1,194 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं 1,462 मेगावाट, निजी क्षेत्र की परियोजनाएं 1,539 मेगावाट, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत 598 मेगावाट, कुल उत्पादन क्षमता 4,724 मेगावाट। फिर प्रस्तावित सरकारी ताप विद्युत केंद्र तो बाणसागर NTPC द्वारा मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट क्रमांक, इसमें 1,600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। फिर बरेठी सुपर NTPC थर्मल पावर प्लांट प्लांट रीवा, तो इस प्रत्येक इकाई 600 मेगावाट कुल, 2,640 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर, बाद में 3,960 मेगावाट तक विस्तारित, और इसमें 1 से 4 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। गाडरवारा पावर, ये NTPC द्वारा प्रोजेक्ट है, नरसिंहपुर में 2 इकाइयाँ लगेंगी, कुल 1,600 मेगावाट, प्रत्येक इकाई 800 मेगावाट का उत्पादन करेगी। फिर जल विद्युत परियोजनाएं 12वीं पंचवर्षीय योजना में कान्हान जल विद्युत परियोजना 90 मेगावाट की है, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त है, संयुक्त परियोजना है ये। सोन जल विद्युत परियोजना 100 मेगावाट सीधी में है, ये बाण सागर बांध पर। गांधी सागर 2 जल विद्युत परियोजना है, ये 160 मेगावाट की, मंदसौर जिले में चंबल नदी पर। फिर चंबल विकास परियोजना 270 मेगावाट, मुरैना मध्य प्रदेश और धौलपुर राजस्थान में। फिर मध्य प्रदेश में निजी पावर प्लांट चितरंजी है, ये सिंगरौली में है, रिलायंस कंपनी द्वारा। घुमान घुमान ये रीवा में है, वीडियोकॉन और रिलायबल के द्वारा। फिर गोरजी या सिंगा सिंगरौली में है, दैनिक भास्कर द्वारा। जावा ये रीवा में है, SCL के द्वारा। फिर महान माहन ये सीधी में है, SSR के द्वारा। पिंच छिंदवाड़ा में है, अडानी के द्वारा। सासन ये सिंगरौली में है, रिलायंस के द्वारा। धनसौर ये सिवनी में है, अवंता पावर के द्वारा। चलिए कुछ नोटेबल फैक्ट देख लेते हैं। तो इसमें अब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है किससे कहाँ क्या कुछ हो रहा है, इसको सीधे नोटेबल फैक्ट में पढ़ते हैं, इसका याद भी नहीं हो पाएगा और जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऐसे सवाल तो आते नहीं। नोटेबल फैक्ट, बायोमास से बिजली बनाने का देश का पहला गांव कसाई बैतूल मध्य प्रदेश में है। महेश्वर जल विद्युत और पेंच ताप विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र को सौंपी गई है। प्रदेश में हाइड्रेल जल पंप सबसे अधिक खरगोन जिले में, हाइड्रेल जल पंप। प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा खपत का प्रतिशत कम से उद्योग कृषि और घरेलू कार्यों में है। सुपर क्रिटिकल टेक्निक, अधिक ईंधन कुशलता कम पर्यावरणीय नुकसान पर आधारित ताप विद्युत तकनीक। एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत ग्रह तो ये पिंच है, सतपुड़ा है, दादा धुनी वाले है, संत सिंगा जी है, चांदनी है। फिर जबलपुर है, JP बीना निजी क्षेत्र का है, संजय गांधी। फिर JP नगर ये निजी क्षेत्र का है, विंध्याचल है, अमरकंटक, भोजेश्वर,
मोजर विहार निजी, मोजर विहार निजी क्षेत्र का है, मोजर विहार और हिसार ये भी निजी क्षेत्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत ग्रह महत्वपूर्ण तत्व चांदनी ताप विद्युत ग्रह ही है, 1953 में बनता है, बुरहानपुर में स्थित है, 177 मेगावाट का है, प्रारंभ में 17 मेगावाट था। मध्य प्रदेश का पहला विद्युत ग्रह नेपा नगर कागज मिल को विद्युत दिया देता है, तवा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अमरकंटक अनूपपुर में 490 मेगावाट केंद्र प्लस राज्य को मिलाकर सोन नदी से जल आपूर्ति और सुहागपुर कोयला क्षेत्र है। सतपुरा सारणी तो ये बैतूल में है, 1437 मेगावाट का, तवा नदी से जल आपूर्ति पाथरखेड़ा में से कोयला लेता है। विंध्याचल ये बैठन सिंगरौली में है, 4760 मेगावाट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह है। रिहंद जलाशय से पानी 5 राज्यों एवं दमन दीव को विद्युत आपूर्ति सिंगरौली में है, ये मतलब सिंगरौली से ये कोयला आपूर्ति करता है। जबलपुर, जबलपुर 151 मेगावाट, नर्मदा नदी के जल से जल आपूर्ति जबलपुर में है। संजय गांधी बीरसिंहपुर उमरिया 1340 मेगावाट, जोहिला नदी से जलापूर्ति जोहिला क्षेत्र से जल लेता है, फिर जोहिला क्षेत्र से कोयला लेता है। फिर पेंच छिंदवाड़ा में है, ये 588 मेगावाट का। संत सिंगा जी खंडवा में है, 2520 मेगावाट का। दादा धुनी वाले खंडवा में है, 2000 मेगावाट का। एस्सार ये निजी क्षेत्र का है, सिंगरौली में है, 1200 मेगावाट का, निजी स्वामित्व में सिंगरौली में। जेपी बीना, बीना सागर 500 मेगावाट, ये भी निजी स्वामित्व में है। जेपी निगरी ये भी सिंगरौली में है, 1320 मेगावाट का, निजी क्षेत्र में है, सिंगरौली में है। मोजर बेयर अनूपपुर में है, 1200 मेगावाट का, निजी स्वामित्व में सिंगरौली में। फिर विद्युत उत्पादन के स्रोत तो ताप विद्युत, जल विद्युत और गैर पारंपरिक विद्युत ऊर्जा। तो ताप विद्युत केंद्र राज्य में कोयला आधारित सरकारी ताप विद्युत केंद्रों की संख्या निरंतर बढ़ी है, 12 स्थापित हो चुके हैं तथा कुछ निर्माणाधीन हैं। चांदनी ताप विद्युत केंद्र कैप्टिव पावर प्लांट 1953 में स्थापित राज्य के इस पहले ताप विद्युत केंद्र की क्षमता 17 मेगावाट है, जो अब 177 मेगावाट है। तवा क्षेत्र का कोयला प्रयुक्त करता है, बुरहानपुर की नेपा नगर कागज मिल को विद्युत आपूर्ति करता है। फिर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर जिले में स्थित है, जहां से 490 मेगावाट अमरकंटक एक केंद्र को 50 मेगावाट की इकाई सहित विद्युत उत्पन्न होती है। सोन नदी से पानी और सुहागपुर से कोयला मिलता है। सतपुरा सारणी ताप विद्युत केंद्र तो बैतूल के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में ही स्थित है, जहाँ का कोयला और तवा नदी का पानी यह उपयोग करता है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। इसकी क्षमता 1142.5 मेगावाट से बढ़कर 1437 हो गई है। इसमें मध्य प्रदेश राजस्थान का हिस्सा 3:2 है। स्थापना 1967 में अमेरिका के वित्तीय सहयोग से। फिर विंध्याचल बृहत ताप विद्युत केंद्र बैढ़न सिंगरौली में है। इसकी नींव 1982 में इंदिरा गांधी ने रखी थी। सिंगरौली का कोयला रिहन जलाशय का पानी प्रयुक्त करता है। प्रथम चरण में सोवियत संघ एवं द्वितीय चरण में विश्व बैंक की सहायता से पूर्ण हुआ। इसकी कुल क्षमता 4760 मेगावाट है, जबकि 2018 में संचालित क्षमता 3760 मेगावाट थी। मध्य प्रदेश ऐसे सबसे बड़ा विद्युत ग्रह है, ये सबसे बड़ा। यह 5 राज्यों सहित दमन द्वीप को विद्युत आपूर्ति करता है। फिर जबलपुर ताप विद्युत केंद्र तो ये जबलपुर का कोयला और नर्मदा का पानी प्रयुक्त करता है। क्षमता 151 मेगावाट है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा इसे स्थापित किया गया है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र तो इमरिया के बीरसिंहपुर से 1993 में स्थापित राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है। जोहिला क्षेत्र का कोयला प्रयुक्त करता है। 44-44 मेगावाट के 2 इकाइयां चालू हैं, चालू थी, जबकि 1 500 मेगावाट की इकाई 2007 में चालू हुई। इसकी कुल क्षमता 1340 मेगावाट है। पेंच ताप विद्युत केंद्र या छिंदवाड़ा में है, जो वहीं का कोयला प्रयुक्त करता है। इसकी स्थापना क्षमता 500 इसकी स्थापित क्षमता 500
88 मेगावाट हो गई है। पंचताप विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र को सौंप दी गई। फिर राज्य के ताप विद्युत ग्रहों की क्षमता, तो अमरकंटक अनूपपुर की 490 है, सतपुड़ा पाथरखेड़ा बैतूल की 1437 है, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र 151 मेगावाट, संजय गांधी बिरसिंहपुर उमरिया इसकी 1340 मेगावाट, विंध्याचल बैढ़न सिंगरौली इसकी 4760 मेगावाट, पंच ताप विद्युत केंद्र 588 मेगावाट, चांदनी ताप विद्युत केंद्र 177 मेगावाट, दादा धोनी वाले खंडवा 2000 मेगावाट, संत सिंगा जी डोंगलिया खंडवा 2520 मेगावाट। फिर संत सिंगा जी ताप विद्युत प्रोजेक्ट डोंगलिया मुंदी जिला खंडवा 2520 मेगावाट, 2017 तक 1200 मेगावाट था, 2018 में 600 × 2 यानी 1320 मेगावाट की दो नई इकाइयां द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया है। कोयला सतपुड़ा क्षेत्र से तथा पानी नर्मदा सुक्ता नदियों से प्राप्त होता है। बांधा एवं मांडू ताप विद्युत केंद्र, तो यह गुजरात और मध्य प्रदेश के संयुक्त योजना है। दादा धुनी वाले खंडवा ताप विद्युत या मालवा परियोजना, तो यह गुजरात और मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से 2000 मेगावाट की दादा धुनी वाली तापी विद्युत परियोजना गोरडिया जिला खंडवा में लगा रहे हैं। बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट, तो ये बरेठी में है, छतरपुर बरेठी छतरपुर 2640 मेगावाट। टेक्नोलॉजी सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश का अंश 50%, 1320 मेगावाट। कोयला प्रदाय छत्तीसगढ़, बंसी कोल ब्लॉक भाल मुंडा कोल माइंस, जल प्रदाय मझगांव डैम एवं सियामरी प्रोजेक्ट। फिर गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, क्षेत्र गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर 1600 मेगावाट, 8800 के 2 यूनिट। टेक्नोलॉजी सुपर क्रिटिकल कोयला प्रदाय तलाई चिली कोयला और जल नर्मदा से मिलता है। विंध्याचल बैढ़न सिंगरौली राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। एएनटीपीसी द्वारा संचालित है। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक 52 चक्कियां इंदौर में है। प्रमुख जल विद्युत केंद्र, तो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र ये भानपुरा तहसील मंदसौर जिले में चंबल पर 1960 में निर्मित गांधी सागर विद्युत केंद्र है। इसमें 23,000 किलोवाट शक्ति के 5 विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाए गए हैं। इस केंद्र की क्षमता 115 मेगावाट है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान दोनों 50-50 के अनुपात में विद्युत प्राप्त करते हैं। चंबल विकास परियोजना दो राज्य दो जल विद्युत परियोजनाओं 270 मेगावाट मुरैना मध्य प्रदेश और धौलपुर राजस्थान में स्थापित है। फिर राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र, तो यह केंद्र चंबल नदी पर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। मध्य प्रदेश राजस्थान को बराबर हिस्सा मिला है। जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र, तो यह चंबल पर राणा प्रताप सागर बांध के 32 किलोमीटर आगे है। यहाँ विद्युत उत्पादन के 3 संयंत्र हैं। इस केंद्र की उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान को बराबर हिस्सा मिलता है। उपर्युक्त तीनों केंद्रों को चंबल घाटी योजना के तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। बरगी परियोजना जबलपुर में है। जबलपुर जिले के बिजौरा गांव के पास रानिया बंती बाई सागर बरगी परियोजना है। नर्मदा नदी पर स्थित इस केंद्र की उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है। अरिहंत परियोजना पिपरी जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त विद्युत परियोजना है। पंच जल विद्युत केंद्र, तो सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में चल रहा यह केंद्र मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसकी उत्पादन क्षमता 160 मेगावाट है। इसमें से मध्य प्रदेश को 107 मेगावाट मिलता है, शेष महाराष्ट्र को जाता है। टोंस जल विद्युत केंद्र, तो बाण सागर परियोजना फर्स्ट टोंस पर स्थित इस केंद्र की उत्पादन क्षमता 315 मेगावाट है।
महेश्वर जल विद्युत केंद्र, तो महेश्वर खरगोन में नर्मदा पर 1994 में स्थापित इस केंद्र की क्षमता 400 मेगावाट है। निजी क्षेत्र एमडब्ल्यू कार्पियस कुमार द्वारा प्रवर्तित देश का पहला जल विद्युत ग्रह होगा, यद्यपि यह विवादों में घिरा है। ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र, ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में नर्मदा पर स्थापित इस केंद्र की उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है। यहाँ 2007 से उत्पादन शुरू हुआ है। इंदिरा सागर परियोजना पुनासा जल विद्युत केंद्र, खंडवा जिले के पुनासा में नर्मदा पर स्थित इस केंद्र की उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। इसे इंदिरा सागर परियोजना भी कहते हैं। यहाँ 2007 से उत्पादन शुरू हुआ है। बाण सागर जल विद्युत केंद्र सीधी, वर्ष 1994-95 में सोन नदी पर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित इस केंद्र की क्षमता 110 मेगावाट है, जिसे बढ़ाकर 425 मेगावाट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी नियम की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले के चुटका गांव में निर्माणाधीन है। इसकी उत्पादन क्षमता 1400 मेगावाट होगी। दूसरा, शिवपुरी जिले के गोपालपुर भीमपुर गांव में निर्माणाधीन है। इसकी क्षमता 2800 मेगावाट होगी। फिर राज्य स्थित एकल एवं संयुक्त जल विद्युत ग्रह, तो चंबल परियोजना, ये गांधी सागर मंदसौर 115 मेगावाट, राणा प्रताप चित्तौड़ 172 मेगावाट, जवाहर कोटा 99 मेगावाट, कुल 386 मेगावाट। मध्य प्रदेश का हिस्सा 193 मेगावाट। फिर नर्मदा परियोजना इंदिरा सागर पुनासा खंडवा 1000 मेगावाट, महेश्वर खरगोन 400 मेगावाट, ओमकारेश्वर खंडवा 420 मेगावाट, पेंच छिंदवाड़ा 107 मेगावाट, कुल क्षमता 160 है। अभी वर्तमान में 107 मेगावाट इसकी क्षमता है, मतलब उत्पादन हो रहा है इतनी क्षमता से। रानियावंती बाई बरगी जबलपुर ये 90 मेगावाट, बाण सागर टोंस फर्स्ट सीधी है 315 मेगावाट, दूसरा सीधी में है 30 मेगावाट, तीसरा भी सीधी में है 20 मेगावाट, चौथा शहडोल में है 60 मेगावाट, बिरसिंहपुर उमरिया 20 मेगावाट, राजघाट ललितपुर 22.5 मेगावाट, मणिखेड़ा शिवपुरी 60 मेगावाट, सीता रेवा छिंदवाड़ा 15 मेगावाट 2009 से, अन्य लघु जल 5.4 मेगावाट। फिर बाण सागर के चार बांध टोंस 315 मेगावाट, सिलपरा 30 मेगावाट, देवलोंद 60 मेगावाट, छिन्ना 20 मेगावाट। मलिखेड़ा जल विद्युत, तो अटल सागर सिंध नदी पर 60 मेगावाट का उत्पादन 2018 में शुरू, 1.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता, चंदेल प्रोजेक्ट। खंडवा में इंदिरा सागर नहर पर 15 मेगावाट की बिजली उत्पादन योजना, बिरसिंहपुर परियोजना 20 मेगावाट क्षमता, राजघाट परियोजना, माता टीला बांध बेतवा पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, कुल 45 मेगावाट क्षमता, जिसमें दोनों राज्यों का आधा आधा हिस्सा है। 375 मेगावाट की प्रस्तावित पनबिजली परियोजनाएं, 11 नए प्रोजेक्ट, होशंगाबाद हंडिया बुरास सिगारपुर राघवपुर सोसरा सीता रेवा और गोपालपुर में लगाया जा रहा है। फिर दोस्तों, ये गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन, अक्षय ऊर्जा, गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन अक्षय ऊर्जा, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अक्षय ऊर्जा के शीर्ष नीति निर्माण एजेंसी, अप्रैल 2010 देश में प्रथम गठन हुआ था, अप्रैल 2010 में। फिर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल अक्षय ऊर्जा की विकास एजेंसी, स्थापना 1982 में होती है। अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य 2022 तक 17.5 गीगावाट मध्य प्रदेश में, वर्तमान में 5100 मेगावाट ही है। भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावाट, वर्तमान क्षमता 20 गीगावाट। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो वे स्रोत जिनका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, बायोमास,
पवन ऊर्जा आदि। सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा का लक्ष्य 2022 तक 2.2 GW है। मध्य प्रदेश विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा नीति प्रणाली 2016, तो इसके तहत 2022 तक 2.2 GW रूफ टॉप और ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य, राष्ट्रीय उपलक्ष्य 40 GW का है। सौर ऊर्जा में व्यक्तिगत भागीदारी को सुनिश्चित करना, मध्य प्रदेश में उपलब्ध औसतन 55 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन सौर विकिरण का सौर ऊर्जा में प्रयोग। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2012 के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के व्यापक उत्पादन का प्रावधान भी इसमें शामिल है। स्वरूप ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड रूफटॉप घर ऑफिस की छतों पर सोलर प्लांट लगाना। मध्य प्रदेश की सौर परियोजनाएं, तो सोलर ऊर्जा पार्क, तो देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क ये राजगढ़ जिले के गणेशपुरा में स्थापित है। इसकी क्षमता 100 MW है। भगवानपुर जिला नीमच में 151 MW तथा भोपाल में 100 MW क्षमता के सोलर ऊर्जा पार्क स्थापित। नीमच सोलर प्रोजेक्ट तो जावद तहसील के 3 गांवों डीकेन, भगवानपुर और पांडलिया में फैला प्रोजेक्ट। गुड़ सौर ऊर्जा संयंत्र के पहले तक यह प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना 2014 में नीमच जिले के भगवानपुरा गांव में बेलिस्पन क्रमांक के द्वारा लगाई गई थी। 1,000 एकड़ में फैले इस सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 151 MW की विद्युत पैदा होती है। इसके पूर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी में लगाया गया था। यह मईका अभ्रक आधारित संयंत्र है। गुढ़ तहसील डिकेन जिला रीवा में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र 750 MW स्थापित। इसका क्रियान्वयन विश्व बैंक और SICI के संयुक्त वित्तीय सहायता से भारत सरकार के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI एवं राज्य सरकार के मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की संयुक्त कंपनी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया गया। संयंत्र में 2018 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसका उपयोग दिल्ली मेट्रो में हो रहा है। परियोजना के तहत 2 उपकेंद्र डढ़वा एवं बबछेरा में बनेगा। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 250 MW मंदसौर जिले के सुबासरा में NTPC की सहायता से लगाया गया। मंदसौर, श्योरपुर, रीवा, झाबुआ, होशंगाबाद में ऐसे सोलर ऊर्जा पार्क स्थापित हो रहे हैं। कामुकी तमिलनाडु में 648 MW के सौर संयंत्र की स्थापना। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये 29 मार्च 2017 को 1,000 MW का कुन्नूर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना का काम आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ। आंध्र प्रदेश में ही अनंतपुर सोलर प्रोजेक्ट 1,500 MW प्रस्तावित है। फिर इसमें 2021 में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता, कुल क्षमता कितनी है, 5100 MW। कुल प्रोजेक्ट 150 हैं। पवन ऊर्जा 2,444 MW, पावन इसके प्रोजेक्ट हैं। सौर ऊर्जा 2,438 MW, 60 इसके प्रोजेक्ट हैं। बायोमास ऊर्जा 119 MW, 34 इसके प्रोजेक्ट हैं। लघु जल विद्युत 99 MW, 46 इसके प्रोजेक्ट हैं। 2022 में अक्षय ऊर्जा में 5100 MW की क्षमता प्राप्त। फिर सौर ऊर्जा नीति 2010 और सौर ऊर्जा परियोजना नीति 2012, इनको याद रखिएगा। सन 2010 में आई और फिर 2012 में। अब लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊर्जा में, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि, मतलब यही सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य परियोजनाएं, तो मध्य प्रदेश में अभी 254 MW क्षमता की 54 परियोजनाएं काम कर रही हैं। इसके अलावा 1,423 MW क्षमता की 119 परियोजनाएं निर्माणाधीन है।
पांच जिलों में नए सोलर पार्क आरंभ होंगे। नीमच, शाजापुर, आगर, छतरपुर, मुरैना में 4500 मेगावाट। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना सिंचाई हेतु तो सोलर पंप स्थापना की योजना है। सर्वाधिक 2.26 हजार सोलर पंप छिंदवाड़ा में स्थापित, कुल 22.67 हजार पंप स्थापित। परियोजना का उद्देश्य क्या है? उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में सिंचित क्षेत्र बढ़ाना, जिन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता नहीं है वहां सिंचाई की व्यवस्था कराना, डीजल में सिंचाई में आने वाले वित्तीय भार से किसानों को बचाना, फिर सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद के गांवों में संयंत्रों की स्थापना, सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान 2015-16 में प्रारंभ, इसके तहत IIT एवं डिप्लोमा छात्रों को सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, रख रखाव और संचालन का 3 माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अक्षय ऊर्जा ऑफ ग्रिड योजना, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के अविद्युतीकृत आंशिक विद्युतीकृत ग्रामों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युतीकृत किया जा रहा है। प्रदेश के 4 जिलों के 23 गाँवों को DDG डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा से रोशन करने का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य 52 जिलों में प्रस्तावित है। फिर पवन ऊर्जा, तो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का लाभ 1% पवन ऊर्जा का स्वरूप ले लेता है, तो लगभग 1% पवन ऊर्जा का स्वरूप ले लेता है पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना पवन ऊर्जा के लिए आदर्श है। प्रदेश में कुल 6700 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। 2021 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2444 मेगावाट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र भामरखेड़ा रतलाम 100 मेगावाट। मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बिरछा रतलाम 99.5 मेगावाट। पवन ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। देवास के निकट जमगोदरानी में निजी क्षेत्र के साथ देश में पहली ज्वाइंट सेक्टर कंपनी भारत मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमिटेड की गठित की गई। बैतूल, रतलाम, मंदसौर, रायसेन, जावरा, होशंगाबाद और शाजापुर में पवन ऊर्जा की अनुकूलता है। रतलाम में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र पूर्ण उत्पादन। फिर कुकरू बैतूल पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का स्थापना NHDC द्वारा। चांदगढ़ प्रोजेक्ट बुरहानपुर में 54 मेगावाट स्थापना ऑयल इंडिया द्वारा 2015 में। फिर देवास में 58.8 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए सुजलान कंपनी के साथ संबंध हुआ। पवन सौर हाइड्रेट प्रोजेक्ट 2021 तो 750 मेगावाट की इस योजना पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पवन ऊर्जा परियोजना नीति 2022-2012 तो 24 फरवरी 2012 को पवन ऊर्जा, उसका उद्देश्य क्या है? पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट को निजी भागीदारी द्वारा प्रोत्साहन करना प्रमुख तत्व क्या है इसके नीति में? परियोजना आवंटन एवं विकास के प्रावधानों को सरल बनाया गया है। लघु स्तर के पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है। परियोजना की स्वीकृति 25 वर्ष के लिए होगी। शासकीय भूमि पर कोई आवेदक एक बार के विज्ञापन में 100 मेगावाट से अधिक का आवेदन नहीं कर सकेगा। पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन जैसे कर छूट, उद्योग का दर्जा ऐसे दिया जाएगा। बिल्ट ऑन एंड ऑपरेट मॉडल पर परियोजनाएं आधारित होंगी। बायोगैस
इसमें उत्तर प्रदेश में गौ संवर्धन से स्वावलंबन परियोजना द्वारा गौशालाओं में 25 से 85 घन मीटर के गोबर संयंत्र स्थापित, फिर पर्यट नदी तट पर स्थित पिपरिया पर्यट जबलपुर में राज्य का प्रथम बायोगैस संयंत्र, बायोगैस विद्युत संयंत्र 1.2 मेगावाट स्थापित, बायोमास तो भारत का पहला बायोमास संयंत्र सारणी बैतूल में लगाया गया है, पौधों और कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने की प्रणाली को बायोमास कहते हैं। इसमें चल चलिए थोड़ा सा, तो इसमें दोस्तों धार खेड़ा में धान के भूसे से विद्युत उत्पादन का संयंत्र कार्यरत है। मध्य प्रदेश में शहरी कचरे से गैस बायो मिथेनाइजेशन बनाने का प्रथम कारखाना भोपाल के बिटन बाजार में, दूसरा इंदौर के काबीट खेड़ी में स्थापित किया गया है। राज्य में 2018 तक 168 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित, 16 परियोजनाएं 165 मेगावाट की शीघ्र क्रियान्वित हो रही हैं। अब तक कुल 36.99 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। 2020-21 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 350 किलोवाट क्षमता के बायो पास गैसीफायर संयंत्र स्थापना प्रगति पर है। बायोमास ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीति 2011, तो नवीन एवं नवीकरणीय विभाग जिलेवार अतिशेष बायोमास को सूचित करेगा। बायोमास परियोजनाओं की अधिकतम क्षमता 15 मेगावाट होगी। फिर भूसी आधारित संयंत्र, धार जिले के खेड़ा में 0.59 मेगावाट क्षमता का भूसी आधारित विद्युत संयंत्र लगाया गया। इंदौर और बालाघाट में भी भूसी आधारित बायोमास गैसिफिकेशन संयंत्र लगाए गए हैं। नाफ्ता आधारित गैसीय विद्युत संयंत्र ये ग्वालियर में निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित है। फिर अपशिष्ट कचरे से विद्युत उत्पादन, तो कटवा खरगोन में अपशिष्ट को जलाकर विद्युत उत्पादन करने की को जनरेशन योजना स्थापित की गई है। इसमें मध्यप्रदेश में अक्षय ऊर्जा साइट्स, तो गणेशपुर ये राजगढ़ में है, प्रथम सौर सोलर ऊर्जा पार्क यहाँ बना हुआ है। गुढ़ रीवा में प्रदेश का सबसे बड़ा एकल ऊर्जा संयंत्र। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल या पवन ऊर्जा का आदर्श क्षेत्र ही पवन ऊर्जा के लिए। फिर सौर ऊर्जा का सबसे आदर्श क्षेत्र ये वाला एरिया है। बायोमास संयंत्र धान भूसी आधारित खेड़ा धार में, ये चीजें हैं। लघु जल विद्युत, तो बड़े बांधों को निर्मित कर जल विद्युत पैदा करने की परंपरागत पर्यावरण विरोधी नीति के स्थान पर सरकार अब छोटे पन बिजली घरों को निर्मित करने पर बल दे रही है। लघु जल विद्युत प्रोजेक्ट प्रमोशन नीति 2011 में लागू, 47 प्रोजेक्ट 155 मेगावाट निर्माणाधीन, 34 प्रोजेक्ट 113.6 मेगावाट स्वीकृत अवस्था में। फिर विद्युत पर योजनाएं देख लेते हैं, तो उजाला, इसका पूरा नाम क्या है, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, भारत सरकार द्वारा योजना लागू है। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ 9 वाट क्षमता के 3 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण मात्र 85 रुपए प्रति बल्ब की दर से किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, तो ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना योजना के अंतर्गत ऐसे गाँव जहाँ मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आगामी 10 वर्षों तक विद्युत की व्यवस्था करना संभव नहीं है, ऐसे 594 अविद्युतकृत ग्रामों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया गया है। विगत वर्ष से आरंभ की गई प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पेयजल योजना के अंतर्गत प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में 2613 सोलर पंपों की स्थापना की गई है। फ्लैट रेट, तो ये 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ है। फिर योजना के अंतर्गत किसानों को वर्ष में 2 बार 6 माही किस्तों में 1400 रुपये पर हॉर्स पावर बिजली, वार्षिक बिजली के बिल का भुगतान 6 माह की 2 किस्तों में करना है। अटल इंदिरा किसान ज्योति फ्लैट रोड योजना, तो योजना के अंतर्गत किसानों को बिजली के बिल का 1500 रुपये प्रति हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर से अधिक तथा 750 रुपये प्रति हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर से अधिक दे है। संबल योजना, तो मध्य प्रदेश द्वारा 3 मई
3 जुलाई 2018 को यह योजना लागू। योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को प्रतिमाह 200 रुपये की लागत से बिजली। संबल उप योजना है तो सरल बिजली योजना। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 में कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के साथ ही सनिर्माण कारों को उनके घरेलू संयोजनों के लिए बिना कनेक्शन प्रभार लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 62 लाख है। बिजली माफ योजना तो संबल योजना 2018 में ही श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के साथ ही सन्निर्माण कर्मकारी एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के जून 2018 की स्थिति में लगभग 600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल माफ किए गए हैं। सौभाग्य योजना तो 25 सितंबर 2017 से लागू मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना के अंतर्गत सभी घरों को दिसंबर 2018 तक उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना में सम्मिलित होने के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के साथ 10 अगस्त 2016 को समझौता ज्ञापन हस्तांतरित किया। फिर तो उसमें दोस्तों घरों को दिसंबर 2018 तक विद्युतीकृत किया जाना था। योजना में केंद्र शासन द्वारा 60% राज्य सरकार द्वारा 40% राशि अनुदेय है। फिर सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत 11 अक्टूबर 2017 को मध्य प्रदेश सौभाग्य योजना प्रारंभ। योजना में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। फिर 25 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश द्वारा इस योजना के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है। दीन बंधु योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत बिल से संबंधित यह योजना 30 जून 2013 को प्रारंभ की गई। बकाया बिजली की सरचार्ज राशि कंपनियों द्वारा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई। आभा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा आभा विद्युत मित्र योजना को रायसेन विदिशा और राजगढ़ जिलों के अंतर्गत 10 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत बिजली वितरण राजस्व संग्रहण मीटर रीडिंग आदि कार्यों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। फिर उदय योजना विद्युत वितरण कंपनियों की संचित हानियों एवं बकाया ऋणों में हुई वृद्धि के निराकरण के लिए भारत सरकार की उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय में सम्मिलित होने के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के साथ 10 अगस्त 2016 को समझौता ज्ञापन हस्तांतरित किया। उदय योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों की संचालन क्षमता में सुधार लाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना तो किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य शासन ने सितंबर 2016 तक स्थायी किए जाने का लक्ष्य रखा था। अटल इंदिरा गृह ज्योति योजना तो अगस्त 2019 से इंदिरा अब अटल यह गृह योजना जिसमें मात्र संबल योजना के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक की मासिक खपत करने पर 100 यूनिट की खपत के लिए 100 रुपये का बिल दे है। ऊर्जा अध्ययन अनुसंधान एवं विकास केंद्र देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर प्रशासन अकादमी भोपाल डॉक्टर भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू। कुछ नोटेबल फैक्ट छूट गए थे दोस्तों स्मरणीय तथ्य। अमरकंटक विद्युत केंद्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई। प्रदेश का सबसे बड़ा ताप केंद्र विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। प्रदेश में विद्युत की सर्वाधिक आपूर्ति सतपुड़ा ताप विद्युत गृह से होती है। नाफ्ता आधारित गैस विद्युत संयंत्र ग्वालियर में है, निजी क्षेत्र में है। फिर पवन ऊर्जा में देश की पहली संयुक्त क्षेत्र की कंपनी पवन विंड फार्म कालीन ग्रुप मध्य प्रदेश में गठित की गई। इसके द्वारा देवास के जमगोदरानी में राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना संचालित है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर इंदौर और नीमच जिले में गैस और डीजल संचालित विद्युत केंद्रों की स्थापना हो रही है। तिलवारा भीमगढ़ में विद्युत योजनाएं निर्माणाधीन है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर से कागज मिल नेपानगर के अलावा निर्माण क्षेत्र को बिजली आपूर्ति भी की जाती है। जमगोदरानी के पवन ऊर्जा संयंत्र में 3 भागीदार है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दिल्ली और
कंसोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों की संयुक्त कंपनी का नाम मध्य प्रदेश विंड फार्म लिमिटेड है। हाइड्रल जल पंप बिना विद्युत के पानी के दबाव से सिंचाई करते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 30 हाइड्रल पंप भोपाल और निमाड़ क्षेत्र में कार्यरत हैं। फिर गुना एवं मंदसौर जिले में विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। 4000 मेगावाट का शासन पावर प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र सीधी में प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र द्वारा देवास, देवड़ा, मंदसौर, गोपालपुरा, रतलाम, अठाना, नीमच में विंड मॉनिटरिंग कार्य संचालित है। मालवा ताप परियोजना मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा खंडवा के ग्राम दोगलिया में स्थापित की जा रही है। राज्य में भूसी आधारित विद्युत संयंत्र खेड़ा धार में है। महेश्वर जल विद्युत की परियोजना और पेंच ताप विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को सौंपा गया है। सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने की शुरुआत मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम इंदौर से हुई। प्रदेश में कचरे से विद्युत उत्पादन करने का पहला संयंत्र भोपाल में स्थापित किया गया था। सौर ऊर्जा संचालित मध्य प्रदेश का प्रथम एयरपोर्ट इंदौर, देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कस्तूरबा गांव इंदौर में लगा था। ग्वालियर, मुरैना में गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन होता है। राज्य में जट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का 10 किलोवाट का संयंत्र भासगढ़ी मंडला जिले में लगाया गया। NTPC द्वारा छतरपुर जिले में 4000 मेगावाट का पावर हाउस लगाया जा रहा है। कस्तूरबा ग्राम इंदौर पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर गांव है। सौर ऊर्जा आधारित शीत गृह भोपाल में लगाया जा रहा है। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के गठन का गठन सन 2000 में हुआ था। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राज्य का पहला विद्युत गृह ये चांदनी था। फिर राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र इंदिरा सागर है। किस नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर। 2021 की स्थिति में विंध्याचल ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट है। सतपुरा सारणी से लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसमें दोस्तों सभी मिले हुए हैं, मतलब मरकंटक विद्युत केंद्र नरूपुर में है, सतपुरा विद्युत केंद्र पाथरखेड़ा में है, विंध्याचल विद्युत केंद्र बैठन में है, पेंच विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा में। ये नंबर होगा इसका। फिर गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो गांधी सागर ये मंदसौर में है, मंदसौर। सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? 57%। मध्य प्रदेश में गैस आधारित पहला विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो भांडेर में। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। फिर इसमें बरगी जल विद्युत केंद्र सम्मिलित नहीं है, यहाँ 90 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है, 99 का नहीं। रिहंद जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर है? तो पीपरी में है। इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर में है। खरगोन जिले में हाइड्रम पंप सर्वाधिक है और सर्वाधिक विद्युत उत्पादन विंध्याचल केंद्र है। फिर इसमें सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये प्रशासन अकादमी भोपाल में। वीर सिंह उर्जलपुर जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो ये उमरिया में। चलिए दोस्तों यहाँ से हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा को खत्म कर लेते हैं। तो आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।